अरे भाई पनौती वो है जिसके कारण इसे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। लेकिन आपने बोला अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। हाँ जा रही है। साबित कर दीजिए। हाँ साबित कर देता हूँ। नहीं कर पाएंगे तो पनौती फिर नहीं कर पाया। सुनो मेरी बात, राजनीति छोड़ूंगा। अच्छा इस पर जीडीपी कितनी है? अगर मैं साबित नहीं कर पाया राजनीति छोड़ दूंगा। अभी आप स्टूडियो छोड़ के जीडीपी छोड़िए ना। इस पर जीडीपी कितनी है? जीडीपी छोड़िए। जो जीडीपी कितनी है जीडीपी पता नहीं है? इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म पता है आपको? अरे खूब मालूम है। बताइए ना, जानना चाह रहे हैं जीडीपी की फुल फॉर्म? बताइए भाई मेरी बात सुनिए। आपको नहीं पता क्या? अरे भाई मुझे सारी मालूम है। आप बीजेपी के एजेंट बनकर क्या काम कर रहे हैं? जीडीपी की फुल फॉर्म मैं कह रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप रास्ते में चले गए। जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता। और यहां पर जो चीख रहे हैं ना, इनके तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने राजस्थान में, ये भी पता नहीं होगा ना। तो ये काय विषय बोल? कौन है? कौन बताओ? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो होने वाला है न्यूज 18 इंडिया के शो देश नहीं झुकने देंगे का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर जो अभी हाल ही में पांचों राज्य में चुनाव हुए और साथ ही दोस्तों जो इन दिनों पनौती पॉलिटिक्स जो चल रही है उसी मुद्दे पर दोस्तों आज की डिबेट होगी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और साथ ही दोस्तों इंडी गठबंधन के सभी लोग इस डिबेट में शामिल रहेंगे। और इन सभी के बीच में आपको काफी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह पनौती है कि रामलला जो है वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो मुझे लगता है उनकी मानसिकता का परिचय। परंतु देखिए झांकी रही भावना जैसी ये प्रभु क्या, मुहूर्त दिखाइए क्या लेकर आए। ये देखिए परिवार ही पनौती है। अब आप देखिए कि परिवार के बारे में जब भी आप सोचेंगे पी फॉर ए फॉर आप समझ में आ जाएगा। पी फॉर परिवारवाद, ए फॉर आतंकवाद, एन फॉर नेपोटिज्म, ए फॉर अपराधीकरण, यू फॉर अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी, टी फॉर तुष्टीकरण और आई फॉर आई नी माई सेल्फ। अगर ये करेंगे तो पनौती आपको सामने नजर आ जाएगी। इस पे तो जो लिखा हुआ है पी फॉर प्रियंका लिख दिया आपने। अब आप भी तो वही कह रहे हैं, आर का ए आपने, पनौती का ए राहुल, सोनिया का क्या? ये अच्छा मैंने देखा नहीं, आप ही लेकर। चलिए एनीवे मुझे लगता है कि ये तो सहयोग की बात है कि उनके नाम में ही पनौती है। उनके किसी भी नेता के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति के अंदर में ये बंद होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर में इनका एक सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो मैं यहां नहीं बोल सकता। इन्होंने क्या उसको सस्पेंड या टर्मिनेट किया, पार्टी से निकाल देते, तब आप एक मिसाल कायम करते कि नहीं हमारी पार्टी में भी कोई गलत भाषा बोलेगा उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। इनके इनके नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। भदौरिया मुझे ये नहीं पता कि आपकी कोई अभी भी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सारे शब्दों में कांग्रेस के खिलाफ बोलने में अभी भी आप हिचकिचा रहे हैं। भाई मैं सत्ता के खिलाफ होगी, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ठीक है मैं बोलूं पनौती किसने का? मैं कहता हूं किसी ने कहा विजय जी आ रहा हूँ। शहजाद जल्दी से 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं को आगे बढ़ना होगा। जल्दी से कहना चाहता हूँ अपने चिरकुट अपने चिरकुट अपने चिरकुट नेताओं से हमारी चालू कहना पार्टी को तो ठीक है, संविधानिक है, मर्यादित है। चिरकुट कहना, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अबू आजमी ने महिलाओं के विषय में जो बोला, आजम खान ने जया प्रदा के विषय में जो बोला इनरवेयर को लेकर, एक सेकंड सुन लीजिए बीच में बोलिए, और शफीकुर रहमान बर्क ने जब बच्चियों की एज को 18 से बढ़ाकर 21 किया गया शादी के लिए, तो उन्होंने कहा ये आवारा है लड़कियां। अब मुझे बताइए ये भी संविधानिक उस पे थे? और जहां तक 2014 से पहले का मीटर इनका बंद हो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को खड़े होकर संसद में सोनिया गांधी ने गद्दार कहा, यहां पर एक सांसद खड़े, पूछ लीजिए उनसे कि ये शब्द कहे गए थे नहीं कहे गए थे। तब मोदी जी कहां थे इस सीन पर? मौत का सौदागर जब बोला गया मोदी जी को, जब गुजरात को गाली दी गई, पार्टी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक, क्या ऑपोजिशन की हेल्प करता है या उल्टा उनका नुकसान करता है? नुकसान करता है। क्यों क्यों लगता है आपको नुकसान करता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि उन पर कोई नॉलेज तो होती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए ना उसके बारे में, और फिर उन्हीं पर सवाल करते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है फिर कैसे बोल रहे हो उसके बारे में। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक मतलब उल्टा नुकसान करते हैं? हाँ क्यों लगता है ऐसा? क्यों ऐसा क्यों लगता है सर? बिकॉज जब तक उस चीज का नॉलेज नहीं है, जैसे आपके टॉपिक चल रहा है पापी राहुल गांधी जी, उनको नॉलेज नहीं होगी क्या? मतलब वो तो इतने सर, उनको वो विदेश से पढ़े हुए हैं, तो उनको जैसे कि उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है तो फिर वो उसी बेस पे बोलते हैं, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले इस चीज का। एक मिनट, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता है भाई जो मलुक भाई ने बोला, जिस आदमी ने एक नेता का करियर खत्म कर दिया, उस बेचारे जो 40 चुनाव रिकॉर्ड बनाया था राहुल गांधी जी ने, तो उनके लिए तो शायद संभवतः मोदी जी पनौती होंगे ही होंगे, इसलिए बार बार मतलब मोदी फोबिया, इसलिए मोदी पनौती, क्योंकि करियर ही लगभग खत्म हो गया, एक आदमी ने खत्म कर दिया शायद 40 चुनाव रिकॉर्ड सारी चीजें। नहीं भैया प्रधानमंत्री नाम क्या के कभी लिख लेते हैं चौकीदार, कभी लिख लेते हैं कुछ, कभी लिख लेते हैं कुछ, तो भैया मोदी जी आप खुद कंफ्यूज हैं, खुद के प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए देश का खर्च कर चुके हैं, 81 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं ये खुद आप मानते हैं, और पनौती शब्द को लेकर जो भाजपा के लोग आंसू बहा रहे हैं ना, रो रहे हैं, अभी उनके प्रवक्ता जगह जगह पोस्टर लेकर घूम रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पनौती हैं। अरे भाई पनौती वो है जिसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, पनौती वो है जिसके कारण 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं जीवन यापन पर जिंदा हैं, कहां पहुंचा दिया आपने देश को? विजय जी, जो कहा बीजेपी ने उल्टा हुआ उसका। विजय जी आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका,
लेकिन आपने बोला अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, जा रही है। साबित कर दीजिए। हाँ, साबित कर देता हूँ। नहीं कर पाएंगे तो प्रगति फिर नहीं कर पाया। सुनो मेरी बात, राजनीति छोड़ूंगा। सुनो, अगर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, पांचवी है ना। अरे सुन, अच्छा इस पर जीडीपी कितनी है? अगर मैं साबित नहीं कर पाया राजनीति छोड़ दूंगा। अभी अभी आप स्टूडियो छोड़ रहे, जीडीपी छोड़ी है ना, इस पर जीडीपी कितनी है? जीडीपी छोड़ी है, जो जीडीपी कितनी है, जीडीपी पता नहीं है, इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। जीडीपी कितनी है समय? अच्छा जीडीपी की फुल फॉर्म पता है? इक्यासी करोड़ जनता का 5 करोड़ जीडीपी कितनी है? वो सही है, आराम से आराम। जीडीपी कितनी है? आप मेरी बात सुनिए सरकार, आपको इकोनॉमी पर ज्ञान दे रहे हैं, आपको जीडीपी नहीं पता। जीडीपी की फुल फॉर्म पता आपको? अरे खूब मालूम है, बताइए ना, बच्चे जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। भाई मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता क्या? अरे भाई मुझे सारी मालूम है। जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए, बीजेपी के एजेंट बनकर क्या काम कर रहे हैं? जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ। जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपको पता है रसातल में जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता? अर्थव्यवस्था की बात त्रिपाठी जी, रसातल में जा रही है सर। आपको पता है कौन सी इकॉनॉमी? आपको जीडीपी नहीं पता है? आप कह रहे इकॉनॉमी रसातल में जा रही है? मुझे सब मालूम है मेरे भाई, बताइए ना फिर। अच्छा मुझे नहीं पता, बताइए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्थिक क्या होती है, तय करती है सर। अरे जीडीपी की फुल फॉर्म बच्चा बताएगा कोई? जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनको लगता है राम जी ने 13 साल में बनवास काट लिया था, तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है? पर छोड़ देते हैं इस विषय को। उन्होंने कहा पेट्रोल के बारे में, बहुत अच्छी बात उठाई। मैं तो मुद्दों पर ही बात करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से कल होकर आया हूं, आज सुबह होकर आया हूं। राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए का, बगल में गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 97 रुपीज का। पूछे क्यों? अजय सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए। अब ये आ गए इनके, ये कांग्रेस के बीच में आ गए, ये समाजवादी कांग्रेस के बीच में क्या? कांग्रेस की गालियों को एक्सेप्ट कर लिया क्या? अखिलेश सही बोला था क्या? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? कांग्रेस का सवाल, मैं राजस्थान के विषय पर सवाल उठा रहा हूं। कांग्रेस तो अखिलेश का क्या, आपकी बेइज्जती कर रही है? आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। बस एक मिनट, क्योंकि त्रिपाठी जी के पास जा रहे हैं। एक मिनट प्लीज, मैं तो खुश हूं कि अब राजस्थान के विषयों पर बात होगी। और यहां पर जो चीख रहे ना, इनके तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है राजस्थान में, ये भी पता नहीं होगा नाम? तो ये काहे बीच में बोल रहे? कौन है बताओ? दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखेगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की डिबेट न्यूज 18 इंडिया के शो देश नहीं झुकने देंगे की थी, जिसमें दोस्तों 2023 में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए और साथ ही जो पनौती पॉलिटिक्स इन दिनों इन देश में चल रही है, उसी मुद्दे पर सभी प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे। अब दोस्तों बात करते हैं पनौती पॉलिटिक्स की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोलना मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से सही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की आवश्यकता है, और सभी दल जो ये पनौती पॉलिटिक्स इन दिनों कर रहे हैं उन सभी को सोचने की आवश्यकता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ये सब बोलना मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से शोभा देता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्तर है, जो पॉलिटिक्स स्तर है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। खैर 2023 में जो अभी हाल ही में 5 राज्य में चुनाव हुए, उनके नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। उसके बाद पता चल जाएगा कि भैया कौन पनौती है और कौन पनौती नहीं है। मेरे हिसाब से तो किसी को भी पनौती कहना किसी भी एंगल से सही नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। और हमें ऐसी जो फालतू की बकवास है, जो मर्यादाहीन बातें जो हम करते हैं इन दिनों, हम नहीं मतलब जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा, अपने शब्दों की मर्यादा को सुधारने की आवश्यकता है। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।